दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, जब अपने ही हो गए दूर तो इस दौर में अखिलेश ने किया फोन। फोन पर एक तरफ अखिलेश यादव थे तो दूसरी ओर दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल। अखिलेश ने केजरीवाल की पत्नी से करीब दो बार बात की, क्या हुई चर्चा। 12 अप्रैल को जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीलीभीत आए तो उन्होंने कॉल किया। ये कॉल दिल्ली में किया गया, एक ऐसे परिवार के यहाँ किया जिसके मुखिया जेल में बंद हैं। वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अखिलेश ने एक ऐसे वक्त पर उनके घर पर फोन किया जब अरविंद केजरीवाल के साथ उनके अपने, जिन्हें उन्होंने बहुत कुछ दिया लेकिन वो सब पता नहीं कहाँ हैं। इस दौर में अखिलेश ने पीलीभीत से ही एक कॉल अरविंद केजरीवाल के आवास पर किया और जिन्होंने अखिलेश के फोन को उठाया वो और कोई नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की ही पत्नी सुनीता केजरीवाल थी। केजरीवाल को जैसे ही अखिलेश ने अपना परिचय दिया वो भावुक हो गईं। भावुक होना एक सामान्य बात है क्योंकि इस वक्त केंद्र सरकार के रडार पर सबसे ज्यादा कोई है तो आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से फोन पर बातचीत की और उनका हालचाल पूछा। आप सांसद संजय सिंह ने 12 अप्रैल को इसकी जानकारी दी। उन्होंने अखिलेश यादव का आभार जताते हुए कहा कि संकट की घड़ी में जब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया सपा प्रमुख हमारे साथ खड़े रहे। संजय सिंह ने कहा अखिलेश यादव ने दिल्ली में रैली में पहुंचकर उसे संबोधित किया। आज भी उन्होंने सुनीता भाभी से बातचीत कर उनका हालचाल पूछा। मैं इसके लिए विशेष रूप से इनका आभार व्यक्त करता हूं। अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने दिल्ली में राजकुमार आनंद के इस्तीफे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे एक मंत्री पर पहले ईडी का छापा पड़वाया गया और बाद में उस पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। संजय सिंह ने दावा किया कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया है। आप सांसद ने आगे कहा, यह 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं, यह भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है। समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित लोगों के अधिकारों को जिस तरह से छीना जा रहा है उसको बचाने का चुनाव है। देश के बेरोजगारों को दलदल में भेजा जा रहा है, महंगाई के चपेट में लिया जा रहा है, उससे बचाने का चुनाव है। इंडिया गठबंधन पर उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव जीतेगा। समाजवादी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं उसे हमारे कार्यकर्ता यूपी में जिताने का काम करेंगे क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है। मैं तो बार बार कहता हूं कि कोई भी राजनेता अगर वो चुनाव जीत रहा होता है तो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाए जैसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अगर आप विपक्षी नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं, उन्हें जेल में डाल रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है।